Hello everyone, this is Renu and welcome back to Q-Trix. Today we are going to solve questions related to surface area of cube and cuboid. So before starting this questions related to this, we are going to discuss the surface area of cube and cuboid. We have seen that the surface of cuboid consists of 6 rectangular faces. हमने देखा है जो क्यूबॉइड है वो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलके बना हुआ है 2, 3, 4, 5 and 6. दीज आर द 6 फेसेस. सो द सरफेस ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस. तो सरफेस ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? इक्वल होगा 6 रेक्टेंगुलर फेसेस के एरिया के इक्वल सम ऑफ दैट. सो लेट अस ड्राइव अ फॉर्मूला फॉर दैट. तो कंसिडर क्यूबॉइड हुज लेंथ इज एल. कंसिडर कर लेते हैं क्यूबॉइड जिसकी लेंथ है एल, ब्रेथ है बी और हाइट है एच, एज शोन इन दिस फिगर. ब्रेथ इज बी एंड हाइट इज एच. सो एरिया ऑफ फेस, पहले एक फेस ले लेते हैं, दैट इज A, B, C, D, ये फेस ले लिया, इज इक्वल टू एरिया ऑफ फेस किसके इक्वल हो जाएगा? ई एफ जी एच के इक्वल. दैट इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ. नेक्स्ट लिया हमने एरिया ऑफ ए ई एच डी. This is equal to B, F, G, C. Area of B, G, F, C. That is equal to base into height हो जाएगा. Because यहाँ पे length as height work कर रही है और base B ही है, breadth. Next is A, B, E. F, ये वाला ले लेते हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी सी जी एच. सो दिस इज इक्वल टू लेंथ इन टू हाइट हो जाएगा. सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यहाँ से आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल इट 6 फेसेस. क्या आया? ये 2 फेस थे तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, प्लस ये भी 2 थे तो 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, प्लस ये भी 2 थे तो 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा. सो एडिंग दीज ऑल 2 कॉमन आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा. दैट मीन्स 2 एल इन एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच सेंटीमीटर स्क्वायर. So 2 length into breadth plus breadth into height plus length into height centimeter square is the surface area of cuboid. Okay, तो क्या आया हमारा cuboid का surface area? Is the equal to the sum of 6 area of the 6 faces. Now the next is for calculation of sum of area of cuboid, the length and breadth मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट. ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें क्या करना पड़ेगा? लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों को ही एक्सप्रेस करना पड़ेगा सेम यूनिट पे. मीन्स उनकी जो डायमेंशंस हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए. अब बात कर लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब के सरफेस एरिया के बारे में. सिंस ऑल द 6 फेसेस ऑफ क्यूब आर स्क्वायर ऑफ सी, क्यूब बनाते हैं, दिस इज द क्यूब. अब इस क्यूब में आपको दिख रहे होंगे सारे ही जो 6 फेसेस हैं वो स्क्वायर शेप में, दैट मीन्स लेंथ भी इक्वल है ब्रेथ के और ब्रेथ भी इक्वल है हाइट के. अब तीनों ही चीज़ें इक्वल हैं. दस इफ 1 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द एज और अ साइड ऑफ अ क्यूब, देन
surface area of the cube will be 2 length into length plus length into length plus length into length. See, यहाँ पे क्या था? Length into breadth. तो breadth भी तो length के equal है, तो length into length हो गया. Breadth into height थी, तो length और breadth दोनों length, breadth और height दोनों length के equal है, तो length into length हो गया. Plus height into length, तो ये भी हो गया length into length. और ये आ गया हमारा 2, तो पहले से बाहर था. ये हो गया L square plus L square plus L square. This is equal to 3 L square. So 2 into 3 हो गया हमारा 6. 6 L square. So the formula for the surface area of cube is 6 H square. 6 H square means 6 L क्या है यहाँ पे? Edge है. तो 6 H square. So these are the formula for surface area of cuboid and surface area of cube. Now we are going to solve question related to these formulas. A cuboidal oil tin is 30 cm by 40 cm and 50 cm. Okay. Find the cost of the tin required for making 20 such tin if the cost of tin sheet is 20 per square meter. The cost of tin depends. See, हमें given एक cuboidal oil tin. ठीक है, cuboidal oil tin है जिसका measurement है 40, 30. And 50. Find the cost. हमें cost find out करनी है उसको बनाने की. 20 such tins. 20 tins बना रहे हैं and इसी measurement के और rupees 20 per square meter बनाने का लग रहा है. The cost of tin depend upon the total surface area. Cost of tin कहाँ किस पे depend कर रहा है? Total surface area पे करेगा. It is given that tin is the shape of cuboid. Tin cuboid shape mein, such that length is equal to 30, breadth is equal to 40 and height is equal to 50 cm. To surface area of one tin kya ho jayega? 2. Surface area of cuboid hai 2 bracket L plus B plus B plus H plus LH. So surface area of one tin ho jayega 2. वैल्यू डालते हैं फॉर्मूले पे. 30 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 30 इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 30 इंटू 40 होता है 1200. 40 इंटू 50 होता है 2000. 30 इंटू 50 होता है 1500. सो इन तीनों को ऐड करके वी गेट 4700. सो 2 इंटू 4700 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ वन टिन तो आ गया, दैट इज 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इस सरफेस एरिया ऑफ 20 सच टिन, 20 सच टिन का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 20 इंटू 9400. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वी गेट, हमारे पास आ गया 1,88,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज इन सेंटीमीटर, वी हैव टू चेंज इट इनटू मीटर. तो ये डिवाइड हो जाएगा, हमारा स्क्वायर में है तो ये डिवाइड हो जाएगा 10,000 से. ये थ्री जीरोस कट हो जाएंगे थ्री जीरोस से, तो हो जाएगा 1,88/10. तो इसको डिवाइड करके आ गया 18.8 मीटर स्क्वायर. सो सरफेस एरिया ऑफ सच टेन इज 18.8 meter square. Now cost of 1 square meter of the tin is rupees 20. Cost kya hai? 1 meter square tin ki 20. Therefore the cost of 18.8 meter square of the tin kya ho jayegi? 20 into 18.8. So that is rupees 376.
So cost of 18.8 meter square is 376. Hence the cost of making, मतलब कि 20 tents बनाने का cost कितना हो गया, rupees 376. Cost of making tents, for making 20 tents is rupees 376. This only we have to find out. Now the next question is, an aquarium is in the form of cuboid. एक aquarium है जो cuboid form में है, whose external measures are, जिसके external measures हैं, external, okay, 18 to 30 into 40, the bottom, the side face and the back face, bottom, the side face and the back face are to be covered with the colored paper. ये covered हैं colored papers. Find the area of paper needed. तो हमें find out करना है कितना paper चाहिए होगा इसे covered करने के लिए. We have length of the aquarium is 80 centimeter. Width of the aquarium is 30 centimeter. And height of the aquarium is 40 centimeter. तो area of front क्या हो जाएगा इसका, area front का length into height, that is 18 into 40 centimeter square, ये हो जाएगा 3200 centimeter square. अब एरिया ऑफ द टॉप, ये हो जाएगा हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 18 इंटू 30, तो हो जाएगा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एक्वेरियम हो जाएगा 2 लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट. लेंथ है 80, ब्रेथ है 30, तो 80 इंटू 30 प्लस ब्रेथ है 30, हाइट है 40, तो 30 इंटू 40 प्लस 80 लेंथ है और हाइट है 40, तो 80 इंटू 40. सो मल्टीप्लाइंग बाय दीस एंड एडिंग हमें क्या मिल गया, 2 से भी उसे मल्टीप्लाई कर गया, कर दिया, तो हमें मिल गया 13,600 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द aquarium is 13,600 centimeter square. ये तो आ गया total surface area. तो ये आ गया हमारा total surface area of the aquarium, और हमने front और top का निकाल दिया था, तो हम front में से top का minus कर देंगे. क्यों करेंगे, because ये दो ही एरिया हैं जहाँ पे हमें कवर नहीं करना है पेपर से, और सब एरिया पे कवर करना है, तो हमें उससे पता चल जाएगा कि टोटल कितना एरिया, कितना पेपर चाहिए कवर करने के लिए. सो टोटल एरिया ऑफ कलर्ड पेपर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ द फ्रंट फेस प्लस एरिया ऑफ द टॉप फेस. तो 13,600 माइनस 3,200 प्लस 2,400, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 5,600. सो 13,600 में से 5,600 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 8,000. सो 8,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें एरिया ऑफ द शीट नीडेड टू कवर दिस एक्वेरियम. इतना हमें शीट चाहिए कि उस एक्वेरियम को कवर कर सके. ओके, इसका और इसका हमने पहले ही निकाल दिया था, दिस टॉप एंड दिस फ्रंट, इसमें कवर नहीं लगाना था, तो टोटल माइनस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ये जो कवर्ड एरिया था वो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 88 मीटर स्क्वायर. फाइंड द डायमेंशन, ठीक है, क्यूबॉइड के जो डायमेंशन है वो गिवन है रेशियो 1:2:3 में, टोटल सरफेस एरिया गिवन है 88 मीटर स्क्वायर. फाइंड द डायमेंशन, हमें उसके डायमेंशन फाइंड आउट करना है जो गिवन है 1:2:3 में, तो वो जाएंगे एक्स
2x or 3x in meter. So surface area is 88 meters square. So 2 into length into breadth, that is x into 2x, plus breadth into height, that is 2x into 3x, plus height into length, that is x into 3x, is equal to हो गया 88. So इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 2x square, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 6x square, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 3x square. So 2 into 2x square plus 6x square plus 3x square is equal to 88 आ गया. By adding this all we get 11x square. So 2 into 11x square is equal to 88. 2 into 11 kya hota hai? 22x square is equal to 88. So x square is equal to 88 upon 22. 22 4 8. So x square is equal to 4 gaya. X square is equal to 4 kiska square hota 2 ka, to x square is equal to 2 square. To yahan se x is equal to aa jayega hamara root 2 ka square. To 2 square kat gaya root se, to x square is equal to x is equal to aa gaya 2 meter. Ab x to aa gaya hamare paas 2 meter. X value aa gayi 2 meter. Aur ye the dimension. Sabse pehla tha x, to that is ye ho gaya 2 meter. दूसरा था 2x, तो दैट इज 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 आ गया 4. नेक्स्ट इज 3x, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6. तो दीज आर द डायमेंशन. क्या क्या आ गई हमारी डायमेंशन? 2 मीटर, 4 मीटर एंड 6 मीटर. हेंस द डायमेंशंस आर 2 मीटर, 4 मीटर एंड 6 मीटर. फाइंड द डायमेंशन था, तो दीज आर द डायमेंशन. So this is the answer. Now the next question is, the measure of textbooks are 22 centimeter, 11 centimeter and 3 centimeter. It is to be covered with a brown paper. Isko brown paper se cover karna hai. If each book requires, har ek book mein kitna lag raha hai? Sorry. 164 centimeter square of more paper of folding. How much paper is required to wrap 85 such textbooks? तो 85 ऐसी books को wrap करने के लिए कितना हमें paper चाहिएगा? Okay, this we have to find out. Length of the textbook is given 22 centimeter. Width of the textbook is given 11 centimeter. Height of the textbook is given 3 cm. The textbook is covered with the paper only 3 faces. 3 faces hi to cover hote, that are bottom, top, bottom, upper, sorry, niche bottom, upper, top ho gaya, or the back, this one. Theek hai, teen hi to cover ho rahe. So we have एरिया ऑफ द बॉटम, बॉटम का एरिया निकालते हैं. तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है? 22 है, ब्रेथ है 11. तो 22 इंटू 11 दैट इज 242 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ द टॉप क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द बॉटम जितना है उतना एरिया ऑफ द टॉप होगा. तो बिकॉज ये दोनों सेम होते हैं, सेम फेज होते हैं क्यूबॉइड में, तो दैट इज 242 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बचा हमारा एरिया ऑफ द फेस जो बैक पे है, ठीक है, ये जो वाला बचा. सो ये हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट होगी ना यहाँ पे. तो लेंथ क्या है? 22, हाइट है 3. तो 22 इंटू 3 दैट इज 66 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ द बैक फेस इज 62 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया एरिया. अब है एरिया ऑफ द पेपर रिक्वायर्ड फोल्डिंग, कितना चाहिए था? 164 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ द पेपर रिक्वायर्ड फॉर वन टेक्स्ट बुक इज फ्रंट क्या हो जाएगा? फ्रंट दैट इज 242 प्लस बैक 242 प्लस सॉरी दिस बैक 66
प्लस इतना क्या, अंदर फोल्ड जब हम करते हैं कवर लगाते हैं तो आपको याद होगा ऐसे फोल्ड भी तो होता है, तो वो क्या हो रहा है हर जगह फोल्ड होके कितना पार्ट आ रहा है वो 164 प्लस 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाय एडिंग दिस ऑल वी गेट 714 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हर एक बुक में 714 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेपर लग रहा है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, वी हैव टू फाइंड आउट फॉर 85 सच टेक्स्ट बुक्स। 85 सच टेक्स्ट बुक्स को कवर करने के लिए हमें फाइंड आउट करना था। तो एरिया ऑफ पेपर नीडेड फॉर 85 सच टेक्स्ट बुक्स क्या हो जाएंगे, 714 इंटू 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 60,690 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो उसे कितना पेपर चाहिए 85 बुक्स को कवर करने के लिए, 60,690 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेपर चाहिए। सो दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू सरफेस एरिया ऑफ द वॉल ऑफ अ रूम। हमें अब क्या पढ़ना है, सरफेस एरिया ऑफ द वॉल ऑफ अ रूम। So in previous section we have learned the formula for surface area of cuboid and cube. So in this section we shall obtain the formula for surface area of wall of a room. For this let us consider a room whose length, breadth and height are, length hai L, height hai H, breadth hai B, centimeter, sorry, tino hi centimeters mein. क्लियरली अ रूम हैज़ फोर वॉल, हर एक रूम में फोर वॉल्स होती हैं, टू लॉन्ग एंड टू शॉर्ट इन रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप है तो दो लॉन्ग और दो शॉर्ट होंगी। ऑफ ईच वॉल्स इज एल सेंटीमीटर बाय एच सेंटीमीटर एंड साइज ऑफ ईच शॉर्ट वॉल इज बी सेंटीमीटर बाय एच सेंटीमीटर होता है। ठीक है, शॉर्ट का b इंटू एच होता है, लॉन्ग का l इंटू बी होता है, सॉरी l इंटू एच। तो सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या हो जाएंगे, टू वॉल्स का है 2 l इंटू एच और टू वॉल्स का है b इंटू एच, तो 2 दोनों में है तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। ओके, एंड h भी दोनों में दिख रहा है तो h भी मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा l प्लस b, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ क्या होता है पेरीमीटर ऑफ अ फ्लोर इंटू हाइट, तो दैट मीन्स एरिया सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल इज पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इंटू हाइट, दैट इज टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ वॉल। Now we are going to solve some question related to this. Question is, the floor of rectangular hall has a perimeter of 250 meters. ठीक है, एक floor है rectangular hall का जिसका perimeter है 250 meters. Its height is, जिसकी height is 6 meter. Find the cost of painting its four wall. हमें find out करना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इंक्लूडिंग डोर्स ETC जो भी चीज़ें उस रूम में उस सबको इंक्लूड करते हुए एट द रेट ऑफ ₹6 पर स्क्वायर मीटर और रेट है कॉस्ट का मतलब पेंट करने का दैट इज ₹6 पर मीटर स्क्वायर। वी नो दैट द एरिया ए ऑफ फोर वॉल ऑफ अ रूम इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ फ्लो into height, perimeter of floor is given, that is 250 और height given is 6, so it is very easy, ये बहुत easily क्या हो जाएगा solve हो जाएगा। देखिए therefore the area of four wall of a room क्या है 250 into 6, 250 क्या था perimeter of a floor, height that is 6, so 250 into 6 meter square is
1500 मीटर स्क्वायर. तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 स्क्वायर मीटर क्या है, 6 रुपीज है. तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स क्या हो जाएंगी, 6 इंटू जो भी आया एरिया ऑफ 4 वॉल्स, दैट इज 1500. सो रुपीज 9000 इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द रूम. ठीक है, इस डायमेंशन का रूम को पेंट करने के लिए 9000 रुपीज कॉस्ट आ रहा है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्यूबॉइड हैज टोटल सरफेस एरिया ऑफ 42 मीटर. एक क्यूबॉइड है जिसका टोटल सरफेस एरिया है 40 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज 26 मीटर स्क्वायर. और उसका लेटरल सरफेस एरिया है 26 मीटर स्क्वायर. फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस. उसके बेस का हमें एरिया फाइंड आउट करना. टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इज इक्वल टू 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ बेस प्लस सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स. ओके, क्यूबॉइड हैज टोटल सरफेस एरिया. क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 40 मीटर स्क्वायर. लेटरल सरफेस एरिया भी दे रखा है 26 मीटर स्क्वायर. हमें एरिया ऑफ बेस निकालना है. तो वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ बेस प्लस सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल. तो टोटल सरफेस एरिया इज गिवन, दैट इज 40. और सरफेस एरिया ऑफ बेस इज वी हैव टू फाइंड आउट. और लेटरल सरफेस एरिया दैट इज ऑल्सो नोन एज सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज गिवन. सो 40 इज इक्वल टू 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ बेस, इसकी जगह पे आ गया 26. अब 26 इधर क्या है, प्लस में है, मैं इसको इधर भेज दूंगी. तो 40 माइनस 26, तो 40 माइनस 26 आएगा 14. सो 14 इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ बेस. सो सरफेस एरिया ऑफ बेस विल बी इक्वल टू 2, इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 14 बाय 2 मीटर स्क्वायर. सो सरफेस एरिया ऑफ बेस आ गया यहाँ से 2 × 2, 2 × 7 × 14, तो 7 मीटर स्क्वायर. देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ बेस इज 7 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ अ रूम whose length is 6 meter, breadth is 5 meter and height is 4 meter. हमें area of 4 wall find out करना है, जिसमें length given है 6 meter, breadth given है 5 meter, height given है 4 meter. Also find the cost of whitewashing of wall. हमें wall को paint करने का भी cost find out करना है. If the rate of whitewashing is 5 per square meter, rate क्या है whitewashing का, 5 per meter square, जिसमें door, window and other opening ignored है. ठीक है, so here length is 6 meter, breadth is 5 meter and height is 4 meter. Area of 4 walls is 2HL+B. ये अभी हमने पढ़ रहा था, this is the formula. So putting the values in the formula, sorry, we get 2 into height है 4, तो into 4, into length है 6, breadth है 5, तो 6 plus 5. So 2 into 4 is 8 and 6 plus 5 is 11. So 8 into 11 is 88 meters square. So area of 4 wall is 88 meter square. Area तो आ गया. अब cost of whitewashing भी तो बताना है. तो cost of whitewashing of 1 meter square is given. That is 5 rupees 5 per meter square.
सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, वॉल को वाइट वॉश करने का कॉस्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी रुपीज 5 पर मीटर स्क्वायर, गिवन है 1 मीटर स्क्वायर, तो 5 × 88 दिस इज इक्वल टू रुपीज 440, तो रुपीज 440 रुपीज लग रहे हैं वाइट वॉश करने को वॉल के. सो एरिया ऑफ द फोर वॉल, फर्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज 88 मीटर स्क्वायर, सेकंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज रुपीज 440. The length of classroom is 2 times its height and its breadth is 1/2. जो length है ना classroom की वो है 2 times of its height. तो let the height be h. अगर height h मानते हैं तो length हो जाएगी 2h. और breadth is given 1/2 times of its height. ये भी क्या है, breadth भी क्या है उसके, height के 1/2 times. The cost of whitewashing the wall at rate, और cost है white wash करने का wall का, rate is rupees 1.60 per meter square, is 179.20. ठीक है, 1.60 तो per meter square का cost है और पूरा total cost लग रहा है 179.20. फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर, और हमें टाइलिंग फ्लोर में टाइलिंग का रेट भी बताना है, दैट इज रुपीज 6.75 मीटर स्क्वायर. सो लेट कर लिया हमने हाइट भी h, तो लेंथ हो गई 2 टाइम्स ऑफ हाइट दैट इज 2h, ब्रेथ है 1/2 टाइम्स ऑफ हाइट तो ये हो जाएगी 3/2h height. तो area of four wall is 2 × height × length + breadth. 2 × height h × length 2h + breadth 3/2h. इसमें LCM लिया तो 2 LCM आया तो ये हो जाएगा 4h + 3h/2. 2 × h 2h + 3h/2, तो 2 × h ये हो जाएगा 7h/2. सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, h बाय द रूल ऑफ एक्सपोनेंट, h की पावर 1 और h की पावर 1 दोनों के मल्टीप्लिकेशन में तो पावर साइड हो जाएंगी, बेस सेम है तो आ जाएगा 7h² meter square. एरिया ऑफ फोर वॉल आ गया 7h² meter square. अब हमें पता करना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉश करने का कॉस्ट वो गिवन है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 1 meter square गिवन है रुपीज 1.60. therefore कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ फोर वॉल्स क्या हो जाएगा, फोर वॉल्स का एरिया, सरफेस एरिया इंटू 1.60. सो दोनों को मल्टीप्लाई किया वी गेट आंसर एज रुपीज 11.20 h². सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ फोर वॉल इज 11.20 h². बट द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज गिवन, वो भी गिवन था दैट इज 179.20. सो 11.20 h² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 179.20 आ जाएगा, बिकॉज ये क्या है, वाइट वॉशिंग का कॉस्ट इज इक्वल टू जो कॉस्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है. सो हम यहाँ से h स्क्वायर निकाल लेंगे, वी विल फाइंड द वैल्यू फॉर h स्क्वायर, तो कैसे आएगी c, ये चला जाएगा इधर डिवीजन में, इसके पास भी
टू पॉइंट्स के पहले, टू नंबर से पहले इस पॉइंट है, इसमें भी टू नंबर से पहले पॉइंट है, तो दोनों के पॉइंट कैंसिल आउट हो. इसको सॉल्व करके वी गेट इट एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 का स्क्वायर. सो एच इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 4 स्क्वायर रूट, तो रूट कैंसिल आउट हो गया स्क्वायर से, तो एच इज इक्वल टू आ गया 4. Therefore, the length of classroom हो गई 2 into h, that is 8 meter. Breadth क्या हो जाएगी? Breadth will be 3 by 2 into 4. Height क्या थी? h थी ना, तो वो आ गई 4. Length क्या थी? 2 into height थी. तो height क्या आई? 4, तो 2 into 4 हो गया, that is length आ गई मेरी 8 meter. ब्रेथ क्या थी? 3/2 टाइम्स ऑफ एच, तो हो गया 3/2 इंटू 4, 2 × 2, 2 × 2 = 4, तो 2 × 3 दैट इज 6 मीटर. ब्रेथ आ गई 6 मीटर. हाइट आ गई, लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई. तो एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रूम क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ जो क्या है 8 × 6, तो दैट इज 48 मीटर स्क्वायर. सो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अब हमें निकालना है. ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया लेंथ, ब्रेथ और हाइट. अब हमें टाइल जो लग रहे थे फ्लोर में उसका भी तो पता करना है कॉस्ट. तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 meter स्क्वायर फ्लोर इज इक्वल टू था है वो ₹6.75. ठीक है, 1 meter स्क्वायर में टाइल करने का कॉस्ट है ₹6.75. तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर, सरफेस एरिया क्या आया फ्लोर का? 48. तो 48 × 6.75, सो दिस इज इक्वल टू ₹324. सो ₹324 इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर. सो द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर आ गया, ठीक है, 375. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ और ब्रेथ इनटू हाइट, सॉरी और हाइट, तो वो हमने फाइंड आउट कर ली. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू दिस. एक कंटेनर में पेंट है, वो सफिशिएंट है 9.375 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए. हाउ मैनी ब्रिक्स मेजरिंग 22.5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर. तो कितने ब्रिक्स होंगे इस मेजरमेंट की जो इस कंटेनर में पेंट है उससे पेंट हो सकती है? दिस वी हैव टू फाइंड आउट. We have length of the brick is 22.5 centimeter, breadth of the brick is 10 centimeter, height of the brick is 7.5 centimeter. So therefore, surface area of the brick ho jayega 2 L into B plus B into H plus H into L. Now putting the values in the formula, that is surface area of the brick. So 2 into length hai 22.5 into B, that is 10, B ke hai 10, plus B hai 10 into height hai 7.5 plus length hai, sorry, length hai 22.5 और हाइट है 7.5. सो सारी वैल्यूज डालने के बाद 22.5 इंटू 10 आ गया 225. 10 इंटू 7.5 आ गया 75 और 7.5 इंटू 22.5 आ गया 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो बाय एडिंग दिस
इंटू टू करने पे हमारे पास आ गया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक. ये आ गया ब्रिक का सरफेस एरिया. अब है द पेंट इज कंटेनर. द पेंट इन द कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट द एरिया. ये फाइंड आउट करना. सो जो पेंट गिवन है वो है 9.375 मीटर स्क्वायर. पेंट गिवन है मीटर स्क्वायर में. दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब हम इसको एक में चेंज करेंगे. मीन्स इसको भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे. सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर्स. सॉरी 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 9.375 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे जो आ जाएगा 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ द पेंट. पेंट कितना है? 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर. देयरफोर द नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड आउट ऑफ द पेंट इन द कंटेनर क्या हो जाएंगे? अब हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करने हैं जो पेंट हो सकते हैं इस कंटेनर के पेंट से. सो एरिया ऑफ दैट ब्रिक्स कितने आया? दिस 937.5 और पेंट ऑफ द कंटेनर है 93,750. सो पेंट इन द कंटेनर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ब्रिक. सो ये आ गया 93,750 अपॉन एरिया ऑफ द ब्रिक दैट इज 937.5. इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो दिस विल बी 9.93750 इंटू 10 तो फिर से 0 अपॉन 9.375. सो 9.375 डिवाइडेड बाय दिस तो 9.375 बन जाए 93751 और 00. सो दिस इज इक्वल टू 100. दैट मीन्स 100 ब्रिक्स कैन बी पेंटेड बाय 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट कंटेनर. Now the next question is, find the volume of the cube. हमें क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है whose सरफेस एरिया is, जिसका सरफेस एरिया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द सरफेस एरिया. लेट द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब हमने मान लिया L सेंटीमीटर. देन इट्स सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज एल 6L स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. बट द सरफेस एरिया आर इज गिवन एज सरफेस एरिया क्या गिवन है? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है. तो 6 देयरफॉर 6L स्क्वायर इज इक्वल टू 54 हो जाएगा. तो यहाँ से हम L स्क्वायर निकाल लेंगे. L स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 54 बाय 6. सो 6 1 6 6 9 54. तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 9. तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का. तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर हो गया. तो स्क्वायर कैंसिल आउट बाय स्क्वायर. तो ये आ गया एल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. अब एल की वैल्यू तो आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? फाइंड द वॉल्यूम. वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है? एल क्यूब होता है. तो एल क्या आया हमारा? 3 आया. तो 3 क्यूब मीन्स 3 into 3 into 3 दैट इज 27. 3 3 जो 9, 9 3 जो 27. सो 27
सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. दिस ओनली वी हैव टू फाइंड आउट हियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड. सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम इज 512 मीटर क्यूब. इसमें हमें सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का एंड जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है 512 मीटर क्यूब. अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्यूब क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6L2. दैट मींस हमें L पता होना चाहिए सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए. सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ L विद द हेल्प ऑफ दिस वॉल्यूम, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम गिवन है. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, दैट इज L क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है. सो बाय द हेल्प ऑफ दिस वी विल फाइंड आउट द सरफेस एरिया. सी लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब इज L मीटर. हमने लेंथ की एज की लेंथ मान ली L मीटर. देन इट्स वॉल्यूम इज, उसका वॉल्यूम हो जाएगा L क्यूब, बिकॉज फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज L क्यूब. तो लेंथ अगर L है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L क्यूब. बट द वॉल्यूम इज गिवन, हियर वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम गिवन है क्या है, 512 मीटर क्यूब. सो दिस विल बी L क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 512. सो L क्यूब इज इक्वल टू, जो 512 है वो किसका क्यूब होता है, दैट इज 8 क्यूब. 512 होता है 8 का क्यूब. तो L क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 8 क्यूब. क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो गया. L इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 8 क्यूब. दिस इज कैंसिल आउट बाय दिस. तो L इज इक्वल टू आ गया 8 मीटर. L आ गया हमारे पास 8 मीटर. नाउ वी कैन ईजिली फाइंड आउट द सरफेस एरिया. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया, L 6L2 होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला. अब हमारे पास L आ गया है तो वी आर पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. वी गेट 6 × 8² मीटर स्क्वायर. सो 6 × 8² 8² क्या होता है, 64 होता है. सो 64 × 6 हो जाएगा. सो 64 × 6 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 384 मीटर स्क्वायर. Therefore, the surface area of the cube is, surface area of the cube आ गया हमारा 384 meter square. This only we have to find out in this question. Now the next question is, the length of hall is 20 meter. Length क्या दिया है hall का, 20 meter. Sorry. And the width is 16 meter. Width given है 16 meter. The sum of area of the floor and the flat roof is equal. क्या given है, जो sum है area of the floor एंड द फ्लैट ऑफ द रूफ. जो फ्लोर है उसका एरिया और फ्लैट ऑफ द रूफ दोनों का एरिया क्या दिया है, इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ फोर वॉल्स. फोर वॉल्स के एरिया के इक्वल गिवन है. फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द हॉल. हमें हाइट और वॉल्यूम ऑफ द वॉल फाइंड आउट करना है. लेंथ गिवन है 20 मीटर, विड्थ गिवन है 16 मीटर. जो एरिया है फ्लोर का प्लस जो फ्लैट रूफ का एरिया है वो इक्वल है किसके, सम ऑफ फोर वॉल्स के. जो फोर वॉल्स हैं उनके एरिया के सम के इक्वल. हाइट और वॉल्यूम ऑफ द हॉल हमें फाइंड आउट करनी है ना.
सो लेट द हाइट बी h, हाइट मैंने h मान ली, तो सम ऑफ एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या हो जाएंगे, हाइट h मान ली, लेंथ l हो जाएगा, ठीक है, लेंथ क्या गिवन है 20 मीटर, विड्थ हमें गिवन है 16, तो एरिया ऑफ द फोर वॉल्स क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट मीटर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ फोर वॉल. सो पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला वी गेट 2 ब्रैकेट 20 प्लस 16 इनटू h, तो 20 प्लस 16 हो गया हमारा 36 इंटू 2 हो गया 72, तो 72 h मीटर स्क्वायर. Therefore, the sum of area of four wall क्या आ गया 72 h meter square. Now, the sum of area of the floor and the flat roof. अब sum किसका area of the floor के area का और flat roof का क्या होगा? Area of the floor हो जाएगा 20 into 16. ठीक है? लेंथ इनटू ब्रेथ. सिमिलरली फ्लैट रूफ का भी लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 20 इनटू 16 हो जाएगा ये भी, तो 20 इनटू 16 प्लस 20 इनटू 16, तो 16 इनटू 20 इनटू 16 होता है 320 प्लस 320 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 640 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ भी हमारे पास आ गया 640 मीटर स्क्वायर. इट इज़ गिवन दैट, और क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इट इज़ गिवन दैट द सम ऑफ एरिया ऑफ फोर वॉल इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड रूफ. जो फोर वॉल्स का एरिया है उसके इक्वल क्या है, सम ऑफ एरिया ऑफ रूफ प्लस फ्लोर है. So that is 72h is equal to हो जाएगा 640. तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, h की वैल्यू निकाल लेंगे. कैसे, 72 मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड भेजेंगे तो वो डिविजन पे आ जाएगा. सो देयरफॉर h is equal to आ जाएगा 640 अपॉन 72. 8 9 जो 72, 8 जो 64, 0. सो 80 बाय 9 मीटर. अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 8.88 मीटर स्क्वायर. 9 into 9, 9 8 जो 72, 9 8 जो 72, 9 8 जो 72, तो ये आ गया 8.88 मीटर. सो हाइट ऑफ द हॉल आ गया हमारा 8.88 मीटर. हाइट तो आ गई. नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ द हॉल. हमें क्या निकालना था, फाइंड द हाइट. हाइट इज 8.88 मीटर. एंड नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ द हॉल. तो हॉल की वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ द हॉल इज, वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट. लेंथ विड्थ इनटू हाइट. So length is 20, width is 16, height is 80 by 9 meter cube. So by multiplying these three terms, we get 25600. That means 25,600 by 9 meter cube. So by solving this, इसको solve करते हैं, we get 9 1 जो 16, 9 2 जो 16, sorry, 9 1 जो 9, 9 2 जो 18, sorry, 9 2 जो 18, and 9 8 जो 72, 9 8 जो 72. अब क्या बचा, 9 4 जो 36, अगेन 9 4 जो 36, 30 बचा.
पॉइंट, फिर 30 बचा तो 9 4 36। सो द आंसर इज वॉल्यूम ऑफ द हॉल क्या आ गया हमारे पास इज 28 मीन्स 2844.4 मीटर स्क्वायर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द हॉल। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना था, वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट, हाइट इज 8.88 मीटर एंड द वॉल्यूम ऑफ द हॉल इज 2844.4 मीटर क्यूब। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। ठीक है, 250 मीटर्स का पेरीमीटर है, हाइट इज 6 मीटर, हाइट इज 6 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स फोर वॉल। हमें फाइंड आउट करना है उसके फोर वॉल की पेंट का, इंक्लूड करना है डोर्स को, एट द रेट ऑफ 6% पर मीटर स्क्वायर। रेट है 6% पर मीटर स्क्वायर। वी नो दैट द एरिया ए ऑफ फोर वॉल्स इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इंटू हाइट होता है। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ फोर वॉल, जिसमें पेरीमीटर फ्लोर इंटू हाइट। सो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 250 एंड हाइट इज गिवन 6 मीटर। सो पुटिंग द फॉर्म वैल्यूज इन द फॉर्मूला वी गेट पेरीमीटर ऑफ अ रूम दैट इज 250 और हाइट 6, तो 250 इंटू 6 आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द फोर वॉल इज 1500 मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर इज 6 रुपीज़ 6 गिवन है। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फोर वॉल्स क्या हो जाएगा, रुपीज़ 6 इंटू 1500 हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फोर वॉल 6 इंटू 1500 इज 9000। तो इट मीन्स 9000 रुपीस लग रहे हैं 6 रुपीस 6 पर मीटर स्क्वायर के रेट से एक रेक्टेंगुलर हॉल को पेंट करने में। And this only we have to find out here in this question. हमें क्या पता करना था, cost of painting, find the cost of painting four walls, that is 9000 rupees. So to paint the four walls is ₹9000. Next question is, a cuboid has total surface area of 40 meters square. क्यूबॉइड है जिसका टोटल सरफेस एरिया है 40 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज 26 मीटर स्क्वायर। जिसका लेटरल सरफेस एरिया 26 मीटर स्क्वायर है, फाइंड इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस। हमें एरिया ऑफ बेस फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला इज टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ बेस प्लस सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स एंड सरफेस एरिया ऑफ फोर वॉल्स इज ऑल्सो इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया। So putting the values in the formula, we get 40 is equal to 2 into surface area of base plus lateral surface area. So 2 into 2, hume surface area of base to find out karna hai. Lateral surface area given hai 26. So 40 is equal to 2 into surface area of base plus 26. So 40 se minus ho gaya 26, so this is 14. So 14 is equal to 2 into surface area of base. Ye aa gaya hamara 40, surface area of base is equal to 14/2 meter square. So this is equal to 7 meter square. So therefore the area of the base is 7 meter square. And this is only we have to find out here, find the area of the base, that is 7 meter square. So these are the questions which are related to surface area of cube and cuboid. Hope you understand these questions. If you have any query related to these questions, you can comment on the comment section. For more such information,
You can also visit to our website, that is www.qtrix.in. And for more such videos, please like, share and subscribe to Qtrix. Thank you and have a wonderful day.